स्टार्टिंग विद द वर्टिगो। यस, सो वेयर दे विल फील द वर्टिगो? जनरल में हम लोगों ने ऊपर में देखा फियर कहाँ पे है इसको, हाई प्लेसेस। सो व्हेन दे विल गो टू द हाई प्लेसेस, व्हेन दे विल लुक डाउन, दे विल हैव द वर्टिगो, है ना। और असेंडिंग स्टेयर्स, असेंडिंग स्टेयर्स, वी हैव वन मेडिसिन डिसेंडिंग एग्रवेट, विच मेडिसिन डिसेंडिंग मोशन एग्रवेट, बोरेक्स, यस बोरेक्स, बट हियर वी आर फाइंडिंग असेंडिंग स्टेयर्स एग्रवेट स्पेशली द वर्टिगो। सो लुकिंग फ्रॉम द हाई प्लेसेस, लुकिंग डाउनवर्ड और हाई प्लेसेस, असेंडिंग स्टेयर्स, ऑन टर्निंग हेड क्विकली, व्हेन यू मूव योर हेड क्विकली यू फील गिडी, वर्टिगो। नाउ कमिंग टू द हेड, हेडेक फ्रॉम द फिजिकल एक्जर्शन, वेट वेदर एग्रवेट, वेट वेदर एंड एम्लोरेशन बाय लाइंग इन द डार्क, एम्लोरेशन बाय लाइंग इन द डार्क। हेड के अंदर में फॉन्टेनल्स रिमेन ओपन, फॉन्टेनल्स रिमेन ओपन, क्रॉनिक हाइड्रोसेफेलस, एंड कैल्केरिया इज ऑल्सो वेल इंडिकेटेड इन द मिल्क क्रस्ट। मिल्क क्रस्ट यू नो ना, बच्चों के अंदर में यहां पे बचपन में जो पूरा एक थिक लेयर जो जम जाता है ना, मिल्क क्रस्ट उसको बोलते हैं, बचपन में होता है ना, बचपन में मान लो हाँ तेल लगा लगा करके छोड़ती है वहां पे कि दिमाग तेज होगा, मजबूत होगा, बाद में वो मिल्क वो वहां पे लेयर जम जाता है और इरप्शन के जैसा स्केली इरप्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द मिल्क क्रस्ट। सो कैल्केरिया इज ऑल्सो वेरी वेल इंडिकेटेड इन द थिक क्रस्ट एंड मिल्क क्रस्ट, एंड पर्सपायरेशन इन हेड ओनली वी आर सीइंग दिस, पर्सपायरेशन एट नाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द कैल्केरिया कार्ड, स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप, पर्सपायरेशन फ्रॉम द हेड ड्यूरिंग द स्लीप एट नाइट। इन ट्यूबरकुलिनम ऑल्सो यू विल फाइंड पर्सपायरेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्ट, स्पेशली इन द हेड एंड फ्रॉम द नोज। नाउ कमिंग टू द आई, व्हेन द आई विल पेन, व्हेन आई विल पेन, यस एक्जर्शन, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड एक्जर्शन ऑफ द आई, सो वीडियो गेम यस, टीवी यस, है ना, वॉचिंग द टीवी, वीडियो गेम, एक्जर्शन ऑफ आई क्या हो सकता है, ऐसे ही सपोज की यू आर ट्रेवलिंग नो, ट्रेन में आप जा रहे हो, बस में जा रहे हो और आप कंटिन्यूस वॉच करते जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो द एक्जर्शन ऑफ द आईज, एंड आफ्टर दैट इन द इवनिंग और आफ्टरनून यू विल फील, यू विल हैव द हेडेक, सो एक्जर्शन ऑफ द आईज, एक्जर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एक्जर्शन aggravates the problem of the calcarea card. So pain on exertion of vision, inflammation with agglutination of lids on waking, चिपक जाता है सुबह जब उठते हैं तो दोनों lids जब वो आपस में चिपक जाता है, inflammation with agglutination of lids on waking, opacity of cornea and ulceration of cornea, opacity of cornea and ulceration of cornea. Now the ear, recurrent otitis, recurrent otitis, lost or impaired hearing from catarrh, lost or impaired hearing from catarrh, from catarrh, noises in the ear, especially in evening in bed, noises,
सुनाई देता है, आवाज सुनाई देता है डॉक्टर साहब। कब? तो शाम में जब बेड में चले जाते हैं तब। एंड यस पॉलिप इंड्यूरेशन, एनी वेयर यू कैन सी दिस पॉलिप एंड इंड्यूरेशन, वी हैव सीन इन द जनरल नो पॉलिप स्वेलिंग इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स। सो इन ईयर यू कैन सी द पॉलिप इरप्शन बिहाइंड ईयर्स, कान के पीछे में इरप्शन हो जाना, क्रैक्स हो जाना, बंद रहता है ना, माउथ हैज क्लोज्ड और ओपन ड्यूरिंग द स्लीप। तो ड्यू टू द एडिनॉइड्स ऑल्सो, बहुत बार ऐसा नाक में सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके वजह से मुंह खोल करके सोते हैं और मुंह से सांस लेते हैं। तो मुंह खुला का दो तीन कारण होता है, ये एडिनॉइड, पॉलिप या फिर बनावट जो होता है, जैसे दांत अगर किसी का थोड़ा सा ऊंचा है तो उसके वजह से भी उसका मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और सब ठीक होने के बाद भी किसी का मुंह खुला रह जाता है। सो दैट विल कंसिडर एज ए रूब्रिक्स, है ना। लेकिन यहाँ पे जब होगा तो एडिनॉइड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, कैल्केरिया का की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ओपन माउथ ड्यू टू द एडिनॉइड्स, है ना। तो ये हमारे लिए एडिनॉइड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस की मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं, एंड बहुत सारे केसेस में देखा कि कैल्केरिया कार बहुत अच्छे से वहां पे इंडिकेट होता है, बट आई कैनॉट से कि कैल्केरिया कार इज द मेडिसिन फॉर द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, सो वी कांट से लाइक दिस कि कैल्केरिया इज द मेडिसिन फॉर द मेसेंट्रिक, बट यस इट इज वेल इंडिकेटेड ओवर देयर, है ना, इट इज वेल इंडिकेटेड ओवर देयर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, एंड स्पेशली इन द चिल्ड्रेन यू विल फाइंड, है ना। सो जब बच्चों के बारे में हम बात करते हैं ना, तो बच्चों का सिम्टम्स कैल्केरिया से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि बच्चों के अंदर में कैल्शियम का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, तो इसीलिए कैल्केरिया का सिम्टम्स बच्चों से बहुत मिलता जुलता आपको मिलेगा। और स्पेशली यू विल फाइंड ना कि द पर्सन दो यू आर वेरी चाइल्डिश इन नेचर, चाइल्डिश बिहेवियर, तो उसके अंदर में भी आपको कैल्केरिया बहुत अच्छे से इंडिकेट होता है। मिल्क डिजायर, मैंने एक बात कही थी ना कि जो आदमी मिल्क बहुत पसंद करता है, या फिर चॉकलेट, है ना, चॉकलेट दूध से बनता है ना, तो उसके अंदर में आप देखोगे कि उसका जो व्यवहार होता है ना वो बच्चों जैसा होता है, बच्चों के जैसा व्यवहार होता है, छोटा बच्चा के जैसा उसका बात करने से लेकर के व्यवहार जो भी है ना वो सब बच्चों के जैसा, चाइल्डिश बिहेवियर वी हैव द रूब्रिक्स। नाउ कंपेशन, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट एंड हाउ इट विल गेट एग्रावेटेड, कोल्ड एंड एक्जर्शन एंड असेंडिंग स्टेयर्स। सो रेस्पिरेशन डिफिकल्ट from the exertion and ascending stairs or ascending motion, even stooping, chest after the perspiration, chest tightness and oppression. What do you mean by the oppression? OPPRESSION, ऑपरेशन, दबाव, प्रेशराइज, भारी लगता है, सीना भारी लगता है, है ना। सो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक दिस रूब्रिक्स, ऑपरेशन, इट्स नॉट ऑपरेशन, ऑपरेशन, यस ऑपरेशन। वीकनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केरिया कार, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द कैल्सियम नो डेफिनेटली यू विल बी वीक, है ना, वीक। सो वीकनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कैल्केरिया कार। सो वीकनेस, अर्थराइटिस रोमेटिज्म एंड हाउ इट विल गेट एग्रवेट, एक्जर्शन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट पेन, सो हाउ इट विल गेट एग्रवेट, कोल्ड, यस, एंड इट विल गेट रिलीव्ड बाय द वॉर्म, सिकनेस है, डॉक्टर साहब आराम मिल जाता है, ठंडा में प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जोड़ का दर्द जो है ठंडा में बढ़ जाता है, देन वी विल थिंक अबाउट दिस मेडिसिन। कोल्ड क्लैमी हैंड्स एंड फीट, बराइटा कार, बेलाडोना, डालका मारा, हिपरसल्फ, लाइको, नाइट्रिक एसिड, लक्स वोमिका, रस्टक्स, साइलिसिया, सल्फर, सल्फ आयोड, एंड ट्यूबरक्लिन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यू मे ऑल्सो डू,
antim crude, arsenic album, baryta carb, blatta, capsicum, graphitis, calicarb. So this is all about the calcarea carb. So we'll have to keep in our mind few rubrics to recognize the calcarea carb. That this is one of the basic component, I can say basic component of our body, you know, and it gives us protection. They are very responsible. They are very responsible for the structure. So it needs our body needs calcium everywhere, not only in the bone, not only in the muscles, not only in the teeth, everywhere, you know, and it gives us protection. So just imagine ki jo protection deta hai, uski soch kaisi hogi, है ना, उसका थॉट कैसा होगा. यू विल हैव टू थिंक लाइक दिस. सो वेयर एवर यू विल फाइंड कि ज्यादा हो गया उस कंडीशन में भी, कम हो गया उस कंडीशन में भी, हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था इसको कैसा पसंद है. ऑप्टिमम, ऑप्टिमम है ना, एक ऑप्टिमम सिचुएशन इसको चाहिए कैल्केरिया कार्ब को. ऑप्टिमम न तो ज्यादा न तो कम. तो फैट बॉडी बॉडी में ज्यादा होगा तो भी कैल्केरिया कार्ब इंडिकेटेड है, अगर कम होगा तो भी इंडिकेटेड है. इन बोथ सिचुएशन इक्विलिब्रियम मेंटेन करना कैल्केरिया कार्ब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कैल्केरिया हमारे लिए ऐसे सिचुएशन में कि अगर कोई बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो भी, एक्सेस है तो भी. सो फेयर फैट फ्लैबी में भी एंड रिकेट्स में भी. तो रिस्पॉन्सिबल टेकिंग टू सीरियसली और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम ही नहीं, तो दोनों सिचुएशन में वी कैन थिंक. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, टेकिंग एवरीथिंग ऑन टू मच, सब कुछ, क्योंकि इसको सब कुछ बराबर करके रखना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एंड लिस्ट एक्जर्सन एग्रेवेट द कैल्केरियाज प्रॉब्लम, वेट वेदर एग्रेवेट द कैल्केरियाज प्रॉब्लम. सो दीज आर द जनरल सिम्टम्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, देन यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजिली, है ना. एंड एज आई टोल्ड की दे आर वेरी केयरिंग इन नेचर, केयरफुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मेंटली यू कैन थिंक लाइक दिस एंड डेफिनेटली यू विल गेट द कैल्केरिया का.